गाइस आज हम लोग दोपहर से खेल रहे हैं रो ब्लॉक्स गाइस रो ब्लॉक्स में आज हम लोग खेल रहे हैं डोज स्केप ओए डॉज डोज कौन है भैया

है बिल्ली के बच्चे हुँ? अरे बाप रे भैया पीछे पड़ गया ओए मेरे भी तो पीछे पड़ा भाग मन्ना ने नहीं छोड़ेगा नहीं ये तो ओए ये तो पूरी टोली पीछे पड़ी है वही तो भैया यार अब क्या करें मन्ना मन्ना तो पूरा और काम मुश्किल वक्त कमांडो सक्त अरे कोई चाबी मिली भैया पर्पल की मिली मुझे ओए पर्पल की ओए पर्पल दरवाजा भी तो मिलना चाहिए ना हाँ भैया अब ये गेट किधर मिलेगा यार अरे रे भैया पीछे ही पड़े हुए हैं पीछे तो मेरे भी पड़े हुए है ये क्या येलो की ओए मैंने की पे की मिली जा रही है अरे भैया मुझे दूसरा गेट मिल रहा है है मेरे पास भैया दूसरी की लेकिन भैया गेट दूसरा मिल रहा है मतलब मुन्ना हम लोग को जिस गेट में घुसना है तो हम लोग को उस गेट की की भी चाहिए होगी हाँ भैया बिना की के कहा से काम बन जाएगा ओए ओए ये ये भी है अब की मैच की मैचअप कहा से पाऊ अरे इधर भी एक बिल्ली यार जाओ यार अरे बाप रे पीछे पड़ गया यार हे भैया मुझे एक बिल्ली का बेबी मिल गया मिल गया जाओ उसको देख के हाँ भैया वही जा रहा हूँ यार

ग्रीन की मिली यार लेकिन ग्रीन गेट की तरह अरे मिल गया भैया ग्रीन गेट आ, मिल गया क्या मिल गया हे hey भैया मुझे ग्रीन की के साथ ग्रीन गेट भी मिल गया हे hey, क्या क्या ये क्या है सामने mm, हड्डियों का पार्क और hey, इस पार्क को खट्टा खट्टा ये क्या था यार अरे क्या हो गया मुन्ना अरे भैया चकमा दे दिया गया यार मुझे hmm, भैया mm. मैं तो सोचा था सिंपल पार्क और भैया यहाँ पे तो बहुत ट्रिकी पार्क है ये तो मुन्ना अब इतनी आसानी से इसके बेबी थोड़ी मिल जाएंगे हाँ भैया इस बार संभल के जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी चलो आराम चलेंगे ना पैर या तो फिसला होगा यार तो मुन्ना तेरा नूपड़पन होगा भैया क्या बात करते हो भैया अब भी गया क्यों तो तुझे क्या लगता है तुझे बस ग्रीन की भैया क्या समझो मिला ओए ठीक है ना आ रहा हूँ मैं डरता थोड़ी हूँ मरना लगी संभल के रहना बहुत ही ट्रिकी पार्क हो रहा है हाँ भैया मुझे पता है ए, इस डॉगी के पास गया अरे ये क्या यार भैया नीचे हड्डियां दिख रही थी लेकिन मैं कूदा क्यों नहीं ओए डर गया होगा और क्या ए भैया यार क्या बात करते हो न, अभी देखो भैया अभी तो पार कर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए ना फिर से कोई ना कोई ट्रिक आ ही जाएगा और तो उस पार्क में फटाक से गिर जाएगा नहीं नहीं भैया इस बार नहीं इस बार तो भैया मैं इसे बहुत ही आसानी से पार करूंगा क्योंकि भैया अब भी मैं इस पार्कोर की ट्रिक्स भी समझ चुका हूँ चलो अभी तुम्हारे मम्मा के पास तुम्हें पहुँचाता हूँ भैया एक और भैया बच्चा मैंने रेस्क्यू कर लिया उस कैटी को दे दिया कि नहीं भैया दे दिया दो हो गए इसके बेबी अभी कितने और ढूंढे है टू हो गए और फोर अभी भैया और ढूंढने अब इसके नेक्स्ट बच्चों को भी रेस्क्यू करते हैं हे लेकिन इस डॉगी से बच के क्योंकि ये लोग पीछे ही पड़ जाते हैं यार कहां कहां से आ जाते समझ ही नहीं आता वरना बहुत ही खतरनाक है वो एकदम खूंखार तरीके से पीछे पड़ते हैं तो थोड़ा संभल के आइयेगा अरे भैया आप टेंशन मत लो मतलब इनसे भैया बचना एकदम बहुत ही बाई हाथ तक खेल है, है ज्यादा बाएँ हाथ तक खेल मत बना मुन्ना नहीं तो वो अपना दाया हाथ चला देंगे दिक्कत हो जाएगी ए भैया कैसे दिक्कत होगी भैया दिक्कत तो मैं खड़ी कर दूंगा अगर भैया इस बार इन मुझे टच भी किया ना तो भैया खरीद के लोग को पौध डालूंगा तो भैया को भी दिला ही देना है भैया घर बसा नहीं पहले लुटेरे आ जाते है हुँ? मतलब तेरा भैया लुटेरा है क्या बात कर रहा है तू तो? अरे नहीं भैया वो बात नहीं है भैया मैं खुद ही ऐसा वेपन वगैरह कुछ नहीं भाई करूंगा मैं तो भैया ऐसे ही बोला तो तुझे मतलब गुस्सा तो नहीं आएगा डोज डॉगी तुझे मारेंगे नहीं भैया वो तो भैया मुझे टच भी नहीं कर पा रहे है तो भैया मारेंगे क्या अच्छा टच भी नहीं कर पा रहे है मुझे तो बहुत बार फोड़ा है क्या बोले भैया ओए कुछ नहीं मुन्ना फोड़ी ही इन लोगों को नहीं भैया इनको फोड़ना मुश्किल नामुमकिन है भैया बहुत भैया हार्ड है भाई ये बता रेस्क्यू किए नहीं ओए भैया तीन भैया कैट्स रेस्क्यू कर ली मैंने अभी भैया तीन और बच्चे हुई हैं ओए तू तो भी भी है, है दिमाग चलाना पड़ेगा क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है? तेरे भैया दिमाग नहीं चलता नहीं भैया मैं वो नहीं कह रहा भैया मैं भी उसमें थोड़ा सा ट्रिक हो गया था लेकिन भैया वो ज्यादा देर तक वो पार्क मुझे ट्रिक नहीं कर पाया है क्योंकि भैया मैंने अपना दिमाग दौड़ाया भैया बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया चल चल मैं भी दिमाग ही दौड़ा रहा हूँ ना सोच रहा हूँ ये हड्डी से गायब कैसे जाती है ए आपको वहाँ पे दूसरी हड्डी पे जम करना पड़ेगा चल मुझे तो अपने में दे। मैं तो ध्यान दे रहा हूँ रे बच गया, तो गया तो जाती मैं मुन्ना कहा चला गया तू अरे भैया मैं दूसरे गेट पे हुआ यहाँ पे भैया इतने सारे डोज डॉगे है भैया सभी मिलकर पीछे पड़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे मुन्ना पूरा गेम ही ऐसा है ये डॉगिस ने जो बिल्लियों के बच्चे को मुन्ना पकड़ा है ना यही है सब हाँ भैया एक और भैया मैंने बेबी कैट को रेस्क्यू कर लिया है चलो ये लो तुम्हारा चौथा बेबी है भियो मेरे चार बेबी रेस्क्यू कर लिए ओए मतलब अब दो बच्चे होंगे हाँ भैया ओनली टू बच्चे हैं जो कि मुझे अभी पर्पल की मिल चुकी है अभी ये मिल गया पर्पल गेट ओए तूने पर्पल गेट अनलॉक कर लिया भैया पे मुन्ने ग्रीन गेट में ही बैठा हुआ है ओए ए भैया क्यों इतने ट्रिक हो रहे है रहा रहे बाप रे ये तो गिर गया ए मेरे पीछे मत पड़ो अरे भैया ये डोज डॉगी भैया कुछ ज्यादा ही खतरनाक है मुन्ना वो खतरनाक तो ही है फोड़ने फाड़ने वाले डॉगी है कोई आम डॉगी नहीं है वो वही तो भैया अगर इनकी भैया एरिया में चले जाओ ये तो भैया थोड़ी डालते हैं तो इनके एरिया में जा नहीं क्यूँ क्योंकि भैया मैं इसीलिए साइज देख रहे हो आप मैं यहाँ पे खुद ही हड्डी पे जम्प कर रहा हूँ उतनी देर से अरे भैया आप तो उसी हड्डी में पड़े हुए है मैं भैया यहाँ पे कैट का पाचवा बेबी रेस्क्यू करने वाला हूँ भैया आप अल एक हड्डी पे पड़े हैं ओए ठीक है ना तू लकी होगा तू जा रहा होगा अरे लकी नहीं भैया फिर से गिर गया लेकिन इस बार बाल बाल बच गया है अरे अरे, मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया क्या अरे बाप रे भैया फिर से फोट डालो मुन्ना बोला तो नहीं ये लोग कोई आम डॉगी नहीं है अब तो तू वेपन खरीदेगा ना वेपन वो भैया किसने बोला आपको वे, वे, मतलब नहीं खरीदेगा नहीं भैया मुझे तो भैया कैट के भैया बेबी उसको रेस्क्यू करना है वेपन वगैरह खरीद के क्या करूंगा खरीद मुझे दे दो ना इनको फोड़ी डालूंगा दिमाग खराब कर अगर आपको फोड़ना है तो मुन्ना कहा खत्म कर दिया तो कौन सा है देखे भैया मैंने एक और बेबी रेस्क्यू कर लिया ये लो कैटी तुम फिफ्थ बेबी है भैया कैटी खुश हो रही है मुन्ना उसके बेबीज हैं तूने अभी पांच ही रेस्क्यू हैं ओए अरे तो भैया भी अभी कौन सा गेट बाकी है? अरे ये इसको तो लगता है पहले अनलॉक कर दिया तो, तो पहले अनलॉक कर दिया तो गया क्यों नहीं अरे भैया नहीं गया होगा भैया पीछे कोई डॉगी पड़ा होगा इसीलिए हाँ ये भी हो सकता है आ, तो भैया ये भी एकदम ट्रिकी है थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इसके नीचे क्या है अरे बाप रे डॉगी बैठा हुआ है मतलब ये सही रास्ता है ये 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 मिल गया अरे इसके नीचे भी एक हो? चलो ये तो सही हो गई अब इन दोनों में कौन सा है पता लगाया जाए इसमें डॉगी है इसमें कोई नहीं है अरे ये क्या ये तो मेरे साथ भैया प्रैंक हो गया क्या प्रैंक हो गया अरे भैया एक में डोज डॉगी था भैया दूसरा खाली था भैया दूसरे में भी निकला तो फिर किस में जाएगा अरे भैया वही तो सोचना पड़ेगा यार जाना है चलो इस बार भी ट्राई करके देखता हूँ अरे क्यों पीछे पड़ा हुआ यार मुझे जाने दे न, मुझे एक और कैट रेस्क्यू करनी है उन को तो काम ही है मुन्ना पीछे पड़ना हो है। अगर तू सारे रेस्क्यू करके चला जाएगा फिर उन लोग को कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी भैया वैल्यू तो मैं इनकी वैसे भी खत्म कर दूंगा न, क्योंकि भैया मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ मुन्ना डर कर बहुत ही खतरनाक लोग मिल गई मुन्ना बात कर भैया कंप्लीट हो ही गया मतलब आपने कैट कैट रेस्क्यू रेस्क्यू कर कर ली ली ओए हाँ फर्स्ट कैट ली मैंने। क्या बात था, था? एक जेल है। आ, तो ये था। क्या था नहीं भैया मैं एक लेवल में फंस रहा था अभी तो समझ गया मैं। अभी क्या है? भी? अरे पापरे ए, अरे जी, क्या हो रहा है मुन्ना यहाँ भी गया अरे भैया इधर बहुत ही ट्रैप से बहुत ही संभल के जाना पड़ रहा है अभी इधर है क्या कोई इधर भी नहीं है इधर तो होना चाहिए ओए मिल, मिल, हाँ मिल, मिल, हो मिल गया मिल गया बाल बाल लेकिन बच भी गया बेबी आ जाओ चलो अभी अपने मामा के पास चलो हे ये लो कैटी तुम्हारा बेबी लास्ट बेबी है अरे ये कहाँ पे आ गया